हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पेटीएम मनी एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम मनी एप्लीकेशन का हम चार्जेस के बारे में जानेंगे, इसका कैलकुलेटर देखेंगे कि हम किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करेंगे तो हमसे कितना ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों हम एप्लीकेशन का इंटरफेस देखेंगे और सबसे लास्ट में इस एप्लीकेशन के बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा कि मैं इस एप्लीकेशन को किस तरीके से देखता हूँ। मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ या फिर नहीं, और करता हूँ मैं तो फिर कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ और मैं उस एप्लीकेशन को क्यों यूज करता हूँ। आपको पेटीएम मनी एप्लीकेशन यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो जब आप पेटीएम मनी में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको इसमें काम करना है। तो आप किस सेगमेंट में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप इक्विटी में कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और आईपीओ में भी कर सकते हैं। लेकिन करेंसी और कमोडिटी की यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप इनका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जाएं तो हमसे क्या चार्ज लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री है। अब एक चार्ज होता है एएमसी चार्ज, मतलब कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, तो वो भी इसमें फ्री है। लेकिन बदले में यहाँ पर आपसे एक चार्ज लिया जा रहा है जो कि दोस्तों किसी भी डीमैट अकाउंट में नहीं लिया जाता, उसका नाम है प्लेटफॉर्म फीस। ठीक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म फीस ही आपका एएमसी चार्ज है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर नाम बदल दिया है। तो एएमसी चार्ज का जैसे कि यहाँ पर फुल फॉर्म है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, मतलब कि वो आपसे चार्ज ले रहे हैं, आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो इसी का नाम प्लेटफॉर्म फीस दे दिया। तो प्लेटफॉर्म भी तो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको यूज करने का ₹30 पर मंथ ले रहे हैं आपसे। और अगर आप पेटीएम मनी में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड ऐड करने जाएंगे, तो अगर आप यूपीआई के द्वारा फंड ऐड करेंगे तब तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बाई चांस आप इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करेंगे ना, तो ₹10 लगेगा पर ट्रांजेक्शन। तो आप जितने भी दिन में फंड ऐड करोगे ना, या फिर कभी कभी करोगे, तो आपको ₹10 देना है नेट बैंकिंग के थ्रू। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें ट्रेडिंग करने जाए ना तो हमसे क्या चार्ज लगेंगे। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तब भी आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे, मतलब कि अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होगा ₹20 या फिर 2.5%, जो भी कम होगा वो आपको देना होगा। और अगर आप इंट्राडे में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इंट्राडे में भी या तो आपको ₹20 देना होगा, नहीं तो फिर 0.05%, जो भी कम होगा दो में से आपको कोई एक देना होगा। अगर आप फ्यूचर में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो फ्यूचर में यहाँ पर ना के बराबर आपसे चार्ज लिया जा रहा है, वो है दोस्तों 0.01%। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना है ₹20 पर ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी देख सकती हैं चार्जेस को एकदम डिटेल में। और अगर आप पेटीएम मनी में कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं, मतलब कि आप एक बिगिनर हैं, आप कंपनी को कॉल करके पूछते हैं कि मुझे कौन सा खरीदना है, कब खरीदना है, तो वहाँ पर इनकी एक रिसर्च टीम बैठी है तो वो आपको हेल्प करती है, तो उसका ये चार्ज बाकी ब्रोकर की तुलना में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये आपसे पर एग्जीक्यूट ऑर्डर ₹100 ले रहे हैं, जो कि दोस्तों बाकी ब्रोकर की तुलना में ज़्यादा है। अगर आप डिपोजिटरी चार्ज देखने जाएँ तो यहाँ पर ₹13.5 लगता है, जो कि दोस्तों सिर्फ सेल करने पर लगता है, अगर आपने कोई लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक खरीदा है या फिर आपने डिलीवरी में कोई भी स्टॉक खरीदा है और आप उसको नेक्स्ट डे या फिर कभी फ्यूचर में सेल करते हैं तब लगता है। और अगर आप इसमें मार्जिन लेके ट्रेड करना चाहें तो इसमें 3x, 4x या फिर 5x तक आपको मार्जिन मिल जाता है, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5% लगता है पर मंथ। और अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और हम देखते हैं इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मतलब कि हम किस सेगमेंट में ट्रेड करेंगे तो हमसे कितना ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है। अब हम इसका कैलकुलेटर देखने वाले हैं, तो आप एक बार और देख लीजिए कि इसमें चार्जेस कितने लग रहे हैं। वैसे अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और जो बाकी के चार्जेज हैं तो आप उनको भी यहाँ पे देख सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ब्रोकरेज चार्ज ही बताया था। और आप दोस्तों ये यहाँ पे देख सकती हैं और बाकी की चीज़ें मैंने आपको अभी डीप में बता दी हैं। अब हम इसका कैलकुलेटर देखते हैं, तो मान लीजिए कि आपने बाई किया 100 पर, सेल किया 110 और क्वान्टिटी आपने रखी 15 और ब्रोकरेज आप दे रहे हैं 20, मतलब कि अगर आप डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो
तो ठीक है, और आप NSE के अंदर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाई और सेल करने पर आपने टोटल 40 रुपये का ब्रोकरेज दिया है, ठीक है, और बाकी के चार्जेज इधर ये इंक्लूड है, तो पर ट्रेड आपसे कितना चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, तो ऑप्शंस में भी ब्रोकरेज चार्ज इतना लग रहा था, मतलब कि 20 रुपये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ब्रोकरेज चार्ज इतना हुआ। अब हम फ्यूचर्स में जाते हैं, तो फ्यूचर्स में जो ब्रोकरेज चार्ज लग रहे थे वो लग रहे थे 0.01, ठीक है। अब दोस्तों आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपसे कितना ब्रोकरेज चार्ज लिया जा रहा है। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो इसका कैसा लोगो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, पहले मैं आपको इसका एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ, वो भी फास्ट, क्योंकि अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो दोस्तों इस पर 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनेगा, तब मैं सारी फीचर्स बता पाऊँगा। अभी दोस्तों आप इसका एक होम पेज देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं। और इसके बाद ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि यहाँ पर लोड होगा और टाइम लगेगा, तो ब्रोकरेज चार्ज अभी जो मैंने आपको बताई थी वही ब्रोकरेज चार्ज ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चार्ट वगैरह भी मिल जाता है, तो यहाँ पर ये मैं आपको मोटा मोटा बिल्कुल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो बेसिक सी चीज़ें हैं तो वो यही पेज है, और बाकी का जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तब आप इसमें और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इस पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 से 20 मिनट का एक वीडियो बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों वो है, अब यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का डीमैट अकाउंट लॉगिन किया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो भी अभी लॉग आउट हो गया है, इसीलिए KYC की बोल रहा था। लेकिन मैंने इसमें अपना अकाउंट अभी से 1.5 साल पहले ओपन करना चाहा, ओपन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया था, इसमें अपना अकाउंट ओपन किया और एक बार अधूरा मुझसे प्रोसेस हुआ, मैं बाकी का फिर दूसरा काम करने लगा। मैंने कहा कि चलो पेटीएम मनी में अभी मैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं इसमें दोबारा से प्रोसेस करने के लिए गया तो इसमें हुआ ही नहीं, और मैंने कंपनी से भी सपोर्ट लिया, ठीक है, तो उन लोगों ने भी मुझे सही से सपोर्ट नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा कि चलो इसको तो हटाओ ही, वैसे भी मुझे ये यूज नहीं करना था, मैं तो बस इसीलिए खोल रहा था कि मुझे वीडियो बनाना था तो इसमें मेरा अकाउंट ओपन हो जाए, ताकि मैं यहाँ पर और मतलब कि वीडियो बना दूं किसको किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन फिर अभी तक मेरा वीडियो भी नहीं बना कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि मेरा इसमें डीमैट अकाउंट ही नहीं है। तो मैं जिस एप्लीकेशन को यूज करता हूं और वो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो दोस्तों AngelOne। काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम बता देते हैं AngelOne में। अब दोस्तों AngelOne और जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर में यही तो फर्स्ट नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर जीरोधा फिर AngelOne है। अगर आप इनमें ही आपको प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो फिर आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन जो नंबर वन है तो दोस्तों वो यही है, और मैं इसमें से AngelOne को यूज करता हूँ। तो पेटीएम मनी पर्सनली दोस्तों मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इनका एक डैशबोर्ड भी लिया था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, मैं मतलब कि YouTube पर लिंक लगा के इसको प्रमोट कर रहा था, तो मैंने कुछ डीमैट अकाउंट ओपन करवाए, प्रमोट किया, फिर कंपनी वालों ने दबाव बनाया कि आप काम करो, ठीक है, अकाउंट ओपन करवाओ, और मैंने कहा कि मैं करवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो उन्होंने हमारे दो डैशबोर्ड मैंने लिए थे वो दोनों के दोनों ब्लॉक कर दिए। इनको ब्रोकरेज देना होता है, ठीक है, तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, हमसे काम करवा लेते हैं, फिर हमारे डैशबोर्ड को ब्लॉक कर देते हैं ताकि इनको पैसा ना देना पड़े। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसकी रियलिटी है जो कि मैंने आपको बताई है, बाकी का आप देख सकती हैं, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।